हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी के औद्योगिक उपयोग पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी या बायो तकनीक का औद्योगिक महत्व। पहला, प्रयुक्त यौगिकों का निर्माण, जैसे इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, ग्लिसरीन, ग्लूकोनिक अम्ल, एसीटोन इत्यादि। ये पदार्थ जीवाणु द्वारा अल्प उपयोगी पदार्थों से बनाया जाता है। एंजाइम का उत्पादन, ये अपमार्जक, वस्त्र उद्योग, चमड़ा, दुग्ध यानी कि दूध तथा दवाओं में प्रयोग किए जाते हैं। मुख्य एंजाइम्स है एमाइलेज, प्रोटीएज तथा लाइपेज इत्यादि। ईंधन की प्राप्ति, तो ईख, खोई तथा लकड़ियों से इथेनॉल या बायोगैस प्राप्त किया जा सकता है। ये जीवाणुओं के द्वारा किण्वन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, खनिजों का निष्कासन, तो खराब स्तर पर अयस्क से जीवाणु खनिजों से लीचिंग द्वारा गुणवत्ता वाले खनिजों का निर्माण करता है। प्रतिरक्षी टॉक्सिन का उत्पादन, खास टॉक्सिन को प्रतिरक्षी से मेल कराकर कैंसर के निराकरण हेतु उत्पाद प्राप्त करना। ठीक है, पूरक भोजन, जीवाणुओं से उच्च गुणवत्ता वाले एक कोशिकीय प्रोटीन की प्राप्ति, जो जंतुओं एवं मनुष्यों के लिए पूरक भोजन के लिए प्रयुक्त होता है, या जीवाणुओं को टॉक्सिन रहित जीव फाड़े। ठीक है, प्रतिरोधों का उत्पादन, उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, इसका उत्पादन फफूंदी तथा जीवाणु से होता है। आठवां है, यह कम उपयोगी पदार्थों से ज़्यादा उपयोगी पदार्थों का निर्माण, ऑक्सी किण्वन के द्वारा एस्ट्रॉयड हार्मोन तथा सोर्बिटोल से सर्वोच्च का निर्माण। ठीक है, ओके, सो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो थैंक यू, ओके।